हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएमटी विद यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, वो जो आने वाला एग्ज़ाम है आईबीपीएस क्लर्क का, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का, उसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन लिखे हैं। जैसा अभी आप कल पेपर हुआ है आईबीपीएस पीयू का, तो उसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। तो अगर जब हमारा जो क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम होगा आरआरबी क्लर्क का, उसमें जो मैक्सिमम चांसेस है वो आपका जो पेपर होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा। और इजी टू मॉडरेट में क्या होगा कि आपकी कट ऑफ हाई रहने वाली है, और कट ऑफ हाई रहेगी तो आपकी जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है थोड़ा डाउन होगा। उन डाउन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करना होगा ना। तो आप देखते हैं आज क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम देखें आपके लिए जो पेपर से रिलेटेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक प्रोजेक्ट को 12 महिलाएं 16 दिन में पूरा करती हैं कर सकती हैं। 12 महिलाओं ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया एवं कुछ दिनों के पश्चात 4 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। यदि शेष प्रोजेक्ट 18 दिन में पूरा किया गया हो तो कितने दिनों में संपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे हम देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट हम कर रहे हैं इसको। तो 12 महिलाओं ने 16 दिन, तो 12 महिला अगर 16 दिन काम करती है तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 192, तो ये आपका हो गया 192 आपको काम करना है। आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, 12 महिलाओं ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, कुछ दिनों के पश्चात 4 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। अब हमें पता नहीं है कि कितने दिनों तक इन 12 महिलाओं ने कार्य किया, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ दिनों बाद 4 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। मतलब अब जो काम किया वो किसने किया, 12 में से 4 गए तो आपकी 8 महिलाओं ने, और जो 8 महिलाओं ने कितने दिन काम किया आपका 18 दिन। तो 8 महिलाओं ने 18 दिन में कितना काम किया वो निकाल लेंगे हम। 144 काम, तो बाकी जो शेष काम वो निकाल लेंगे हम, यहाँ से आपका 8 और यहाँ से 4। तो ये 48 काम जो है ये आपके जो बी क्वेश्चन शुरू में 12 महिलाओं ने किया था, और वो कितने दिन में कंप्लीट होगा तो 12 का डिवाइड कर लेंगे हम इसमें, 12 चौक 48, मतलब 4 दिन में, ठीक है। तो 4 दिन में इन्होंने ये काम पूरा किया था। अब 4 दिन तो आपका ये हो गया बीच वाला ना, और लास्ट के आपके 18 दिन ये हो गए, तो आपके टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए 22 दिन। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो देखते हैं। एक भिन्न का अंश 100% और हर 200% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बना नया भिन्न 4/21 है, मूल भिन्न क्या है, ठीक है। मूल भिन्न निकालना है हमें, तो 4/21। अब आपको इसमें करना क्या है, जो अंश बोला है उसको आपको नीचे हर में लेना है, जो लास्ट में जो भिन्न आया ना उसके हर में। तो अंश में 100% की वृद्धि, मतलब ये हो गया आपका 200, और आपका जो हर है उसको बढ़ाया था उन्होंने 200%, हर को आपको अंश लेके चलना है, तो इसमें हमने बढ़ा दिया 300। ये आपका कट गया यहाँ से कैलकुलेशन, 2 से 2 3 से 7/5, तो जो आपका आंसर आया है वो आया 2/7, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, श्री नायक का मासिक वेतन 22,500 है, उसने 5% सालाने ब्याज पर 3 वर्ष हेतु 30,000 रुपये का ऋण लिया। 3 वर्ष में उसके द्वारा अदा की गई ब्याज की राशि उसके वेतन का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें देखिए उसके ब्याज कितना मिलेगा, उसमें 30,000 रुपये, अब साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला बताइए, तो इसका 30,000 रुपये और इसका 3 वर्ष और यहाँ पे 5% दर, ये हो गया, और बटे में आपका 100 रुपये, ठीक है। अब उसने बोला है 3 वर्ष में उसके द्वारा अदा की गई ब्याज, ये ब्याज आ गया, कि राशि उसके वेतन का कितने प्रतिशत है। अब जो उसका वेतन है उसको भी उसका उससे प्रतिशत निकालना है, तो वेतन को हमने ये नीचे रख दिया और ये प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया। एक लाइन में आपकी पूरी क्वेश्चन तैयार, 100 से आपका 100 कैंसिल, 20 से आपकी यहाँ से 20 बढ़ गई, उसके बाद ये देखिए 25 से हमने 100 काटा, ये आपका 9 बार, और ये 25 से काटा हमने 12 बार, उसके बाद 3 से 3 3 9, 3 से फिर इसको 3 चौक 12, 5 चौक आपका 20, तो 20% आपका आंसर।